हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपना भूगोल में भारत का परिचय खत्म हो चुका है, इसका अपना एक टेस्ट और लाइव सेशन जो डाउट सेशन बोलते हैं उसमें क्विक रिवीजन की तरह क्विक रिवीजन में पूरा अपना भारत का परिचय हो गया था। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों में अपन मैंने आपको बोला था कि हर टॉपिक पर दो वीडियो बनेगी, एक बेसिक और एक डिटेल वीडियो। तो आज बेसिक अपने चालू करेंगे भारत की नदियाँ, फिर इसकी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें पूरा डिटेल रहेगा। आपको मतलब कहीं और से बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अपन भारत की नदियाँ है, मैंने आपको बोला था कि हर एक टॉपिक में अपने को भारत का मैप बनाना है। तो पहले अपन भारत का मैप बना लेते जल्दी से। देखिए, पहले मैंने खाली ये अपने भारत का ऊपरी हिस्सा बनाया है, मतलब उत्तरी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, पश्चिम, दक्षिण हिस्सा भी छोड़ दिया है क्योंकि अपने को एक थोड़ा बड़ा मैप चाहिए और उस पर जो नदियाँ है वो शो होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको ऊपर की नदियाँ पढ़ा दूंगा। जो नदियाँ देखिए तीन तरह की होगी, नदियाँ तीन भागों में बटी हुई है भारत में। एक अपनी मेन जो रहेगी हिमालय की नदियाँ, ठीक है, जो हिमालय से अपनी चालू होगी, ठीक है। दूसरी अपनी रहेगी कौन सी नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, जो नीचे प्रायद्वीप भारत है ना, नीचे के भारत का दक्षिण हिस्सा, वो नदियाँ। तो दो रहेगी, और एक और प्रायद्वीप भारत में रहेगी पर उनका जो फ्लो रहेगा वो पठार के अपोजिट रहेगा, मतलब पठार भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका पठार का ढलान जो है पश्चिम से वो ऊँचा है और पूर्व इस साइड है, पर कुछ दो तीन नदियाँ हैं जो इस ढलान के विपरीत बहेगी। तो ये तीन है, तो एक तो हिमालय की नदियाँ, ठीक है, दूसरी अपनी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये दो नदियाँ अपनी दो पार्ट में अपन पढ़ेंगे। अब हिमालय की नदियाँ है, तो आप सभी को पता है कि ये हिमालय का रेंज है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। तो पहली अपन नदी ले लेते हैं गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी अपनी उत्तराखंड में, पहली नदी है अपनी गंगा नदी, पहले मैं आपको इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ से निकल रही है ये गंगा नदी है, ये दो नदियों के संगम से बनती है गंगा नदी, ठीक है। वैसे तो दो नहीं, इसमें पांच प्रयाग बनेंगे, वो मैं आपको उसका डिटेल में बताऊंगा, पर अभी आपको बेसिक के लिए मैं आपको दो बता रहा हूं कि एक तो है आपकी अलकनंदा और एक है आपकी भागीरथी। अब भागीरथी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, गंगोत्री हिमनद, इसी को ग्लेशियर भी बोलते हैं। और ये अलकनंदा है, ये सतोपत हिमनद से निकली है, ठीक है। अलकनंदा में ही धौली गंगा मिलेगी, तो कृष्ण विष्णु प्रयाग बनेगा, फिर पिंडर नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बनेगा, ऐसे ही इसमें कृष्ण, फिर नंद प्रयाग बनेगा, फिर रुद्र प्रयाग बनेगा, और फिर इसमें ये जो है देव प्रयाग बनेगा। तो देव प्रयाग में दोनों नदियां मिलती है, ठीक है, और फिर आगे जल के इसके संयुक्त धारा क्या कहलाती है, गंगा। यहीं पर ऋषिकेश और यही हरिद्वार है, ठीक है, यहां से ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। और फिर इसके एक सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, यमुनोत्री हिमनद से निकली है, और इसका नाम है यमुना, ठीक है। उत्तराखंड से चालू होगी गंगा नदी, अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा पार्ट इसका झारखंड में है, और फिर अपनी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाएगी। अब इसका जो मेन इसमें जो पूछने जैसा क्वेश्चन है वो अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यह फरक्का बैराज बनाएगी, इसके ऊपर फरक्का बैराज एक वो बना हुआ है डैम, फरक्का बैराज, बैराज किसको बोलते हैं, नदियों के ऊपर एक डैम जैसा बनता है जहाँ से नदी में से कुछ वितरिका निकाली जाती है, मतलब एक कैनल निकाली जाती है, नहर
दूसरी नदी में जोड़ने के लिए या फिर सिंचाई के लिए। तो यहाँ से हुगली नदी के लिए एक केनल निकाली गई है, ये हुगली नदी है। हुगली नदी के ही किनारे बसा है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। अब ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, ठीक है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। और फिर जब ये गिरेगी तो यहाँ सुंदरबन का डेल्टा बनाएगी। तो ये गंगा नदी से रिलेटेड अपनी बातें थी कि ये कहाँ से निकल रही, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा नदी बनती है, देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन होता है। हाँ, एक चीज और, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बोलते हैं, ये टिहरी बांध कितना है? 260 मीटर। ये ऊंचाई में है सबसे ऊंचा, मतलब इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। एक ये कहां पर है, कौन सी नदी के संगम पर बना है? यहां पर बना है, ये भागीरथी और ये छोटी नदी ना, तो ये भागीरथी प्लस भिलांगना, इन दो नदी के संगम पे टिहरी बांध बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये नदी इसमें यहाँ अलकनंदा में देवप्रयाग में मिल जाएगी और ये गंगा नदी बन जाएगी। तो ये गंगा नदी का पोर्शन हो गया। अब इसमें अपन चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन चलते हैं सिंधु नदी ले लेंगे, ठीक है। इसको पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। अब अपनी अब सिंधु नदी, सिंधु नदी को इंडस रिवर भी बोलते हैं। तो ये तिब्बत का जो इलाका है, मानसरोवर झील आपने सबने सुनी हुई है, उसके बाद मानसरोवर झील के पास से निकलती है ये और ऐसे बहते हुए दमचोक से भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी, और चिल्लास करके एक जगह है, वहां से बाहर निकल जाती है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में चली जाती है, यहाँ से पाकिस्तान में इंटर हो जाती है। अब यहाँ से यहाँ तक का अपने भारत का है, तो यहाँ से अपने को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये गंगा नदी की लंबाई नहीं बताई थी मैंने, तो ये है 25-25, ठीक है। इसकी कुल लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई टोटल है 2880 किलोमीटर, और भारत में है ये इतना सा टुकड़ा, ये 1100 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। तो अब अपन इसकी बात कर लेते हैं जो अपने भारत में मेन इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जब ये चलती है तो यहाँ पर तीन श्रेणियाँ आती, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और मतलब पहाड़ों की एक पूरी श्रेणी है, तो एक लद्दाख और जास्कर दोनों के बीच से बहती हुई जाती है, ठीक है। और इसकी इस नदी के दाएं ओर लेह शहर बसा हुआ है, कौन सा? लेह शहर बसा हुआ है। इसकी सहायक नदी जो अपने भारत की है वो है श्योक और नुब्रा, इधर लिख देता हूं, श्योक नदी प्लस नुब्रा नदी, ये इसकी सहायक नदियां है, ठीक है। इसकी सहायक नदी, अब अपने को इंपॉर्टेंट जो पांच नदियां है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इधर पंजाब में, उन पे एक डिस्कशन करना है, उसको पढ़ना है, उसके बाद ये नदी भी अपनी समाप्त हो जाएगी। देखिए, बेरीनाग झील से निकलेगी झेलम नदी और बाड़ालाचा दर्रे से निकलेगी कौन सी नदी? चिनाब नदी। ये कौन सी नदी होगी अपनी? झेलम। कहां से निकल रही है? बेरीनाग झील। ये कौन सी नदी हो गई? चिनाब। चिनाब चिनाब कहां से निकल रही है? बाड़ालाचा दर्रे, ठीक है। फिर इसके बाद निकलेगी
रावी नदी, फिर निकलेगी व्यास। रावी नदी को पढ़ लेते हैं। मैं इसको और क्लीन कर देता हूँ इधर का एरिया ताकि आपको क्लियर दिखे। ये कौन सी नदी थी अपनी? रावी। रावी ये कहाँ से निकली? रोहतांग दर्रा। इसके बाद ये व्यास नदी है, ये कहाँ से निकली है? ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकली है। इसके पास एक व्यास कुंड है, वहां से निकली है। ठीक है, अब एक और नदी है, फिर ये पूरा ब्रह्म, ये सिंधु नदी तंत्र पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी, एक ब्लू पेन है सर। इसके बाद है सतलज नदी। सतलज नदी भी अपनी बांसरोवर झील के पास से निकलती है और ये इसको लेती हुई इसमें मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? सतलज, सतलज नदी। अब ये कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के, यहाँ दोनों दोनों चाइना तिब्बत में ही है। तो ये तिब्बत के सानो खोबाब हिमनद से निकल रही है सिंधु नदी और ये निकली राकस्तान। ठीक है, मानसरोवर के पास से तिब्बत। पूरा एड्रेस लिख दिया मैंने इसका, चले जाना। ठीक है, ये अपनी व्यास नदी है। अब जहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जहां व्यास नदी और सतलज नदी मिल रही है यहां पर है हरी के बैराज। अब आपको बताया था मैंने बैराज से क्या होता है, बैराज को बनाते हैं पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। यहां से इस नदी का पानी है ना, अपन अब हरी के बैराज, अब यहां से इस नदी की पानी की एक वो चलेगी नहर और यही इंदिरा गांधी नहर कहलाएगी जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान को पानी पहुंचाती है। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो ये नदियां हैं, इनका इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो इनकी परियोजना है, इसमें किशनगंगा है, दुलहस्ती परियोजना है चिनाब में, और बाकी ये इसको डिटेल वीडियो में अपन करेंगे। ये इसका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद एक बार मैं आप उसको क्लियर से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी और ये जो पांच नदियाँ हैं ये इनकी है सहायक नदी। तो सिंधु नदी निकल रही है मानसरोवर झील के पास से सानो खोबाब ग्लेशियर हिमनद से। ठीक है, ये 1100 किलोमीटर भारत में बहेगी, बाकी पूरी किलोमीटर पाकिस्तान, चाइना और भारत में बहती है। उसके बाद ये पांच नदी जो है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये चार नदी, पांच नदी है ना, हाँ ये भी, ये रावी, व्यास, सतलज, ये पांचों इसकी सहायक नदियाँ हैं। और कौन से तरफ की है? देखिए, नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो ऐसे बह रही है तो उसका दाई उस साइड होगा और बाई इस साइड होगा। तो ये बाएं तरफ की सहायक नदियाँ हैं, दाएं तरफ के ऊपर है गोमल, काबुल, खुर्रम, तो वो अपन डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, ये सब मिल जाएगी। और यहाँ पर झंडा पाकिस्तान में, यहाँ पर पंचनद की नदियाँ कहलाती है और मिठानकोट में ये साथ सिंधु नदी से मिल जाती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जब व्यास और सतलज मिलती है कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में, तो वहाँ हरी के बैराज बनाती है। हरी के बैराज यहीं पर इस नदियों के संगम पर भाखड़ा नांगल डैम भी है, तो वो मैं आपको कल डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये भाखड़ा नांगल डैम भी है और यहाँ पर हरी के बैराज भी, इसी हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकल रही है जो लगभग 260 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब अपन ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे थे।
अब अपन ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। ये दिख रहा है सर मैप पूरा? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए तीन नदी चाइना से, चीन से निकलती है जो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब तिब्बत से ही, तिब्बत के पास से ही ये अपनी ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी। तो ये निकलेगी, फिर अरुणाचल प्रदेश में आई, फिर असम में आई, और फिर ये इसमें गंगा नदी के साथ मिलके ये, अब इसको अपन देखते हैं कहाँ से निकलती है। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लेना कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में, चीन में क्या बोलते हैं? सांतो। ठीक है, फिर ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और फिर जब ये भारत में इंटर होगी तो एक दिहांग गोर्ज बनाएगी, दिहांग गोर्ज। ठीक है, गोर्ज क्या होता है? जब नदी बहती रहती है तो एक पहाड़ अगर उसके सामने आता है तो धीरे धीरे वो, जैसे कि यहाँ से पहाड़ है, इस पे बहना चालू करा नदी ने, दो पहाड़ है उसके ऊपर से बहना चालू करा, तो उसके धार से पहाड़ कट कट के नदी फिर उसके अंदर से बहना चालू हो जाती है, तो वो एक गार्ज बन जाता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं, नदी बीच में से बहती है। तो यहाँ पर एक दिहांग गोर्ज बनेगा, ठीक है, और यहीं से नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक क्या रहेगा? दिहांग। उसके बाद जैसे असम में जाएगी तो ये इसका फेमस नाम मिल जाएगा इसको, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और फिर जब इसमें इंटर करेगी बांग्लादेश में तो इसको जमुना बोल दिया जाएगा। तो इसके तीन, ये चार नाम है, चाइना में सांगपो, भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना। अब इसकी एक दो सहायक नदियां पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके यहाँ पर भारत का सबसे लंबा जो भूपेंद्र हजारिका ब्रिज है, जो 9.5-10 किलोमीटर लंबा है, वो यहाँ पर इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, एक तो लोहित है, नाम है दिबांग। ये दिहांग अलग है, दिबांग अलग है, ये दोनों नदियाँ हैं, इसके जो मिलन है यहाँ पर बना हुआ है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज। ठीक है, इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर, ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ये लंबाई में 10 किलोमीटर के लगभग है, 9.16 किलोमीटर है लंबाई में, सबसे बड़ा भारत का, सबसे बड़ा भारत लंबाई में सबसे बड़ा भारत का सबसे लंबा। ठीक है, अब इसी में आगे जाएंगे तो एक बोगीबील ब्रिज भी है। हाँ, इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट, जब ये असम में जाएगी तो असम में ये बहुत बड़ा एक द्वीप बनाएगी, नदी द्वीप। हाँ, द्वीप समझते ना, ऐसा द्वीप क्या होता है, आइलैंड जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसको द्वीप बोलते हैं। तो ये नदी द्वीप है, मतलब बीच में जमीन है और आसपास ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है, तो ये सबसे बड़ा, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, इसका नाम है माजुली, माजुली नदी द्वीप। इसमें लिख लेना आप, ये भी, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये लिखना नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली, यहाँ पर लगभग 1 लाख जनसंख्या निवास करती है और एक जिला भी घोषित है। बस फिर इसके आगे जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी और जमुना के नाम से, बांग्लादेश में इधर पद्मा आ जाएगी, पद्मा मतलब ये अपनी गंगा नदी, और दोनों जब मिल जाएगी तो ये मेघना के नाम से चलेगी और यहाँ पर ही सुंदरबन का डेल्टा बनेगा। ठीक है, अब अपन प्रायद्वीप भारत पे आ जाते हैं, अपने इम्पोर्टेंट एक गंगा नदी, सिंधु नदी, इसके साथ की अपनी ये नदी हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पढ़ लेते हैं अपन। जैसे कि मैं आपको छोटा सा मैप बना देता हूँ, ये अपना भारत है ना, देखिए ये भारत है ना, तो अब इस पार्ट की नदियां पढ़ेंगे अपन, नीचे की दक्षिण की नदियां, इसको प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसको पानी, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, मतलब पेनिनसुला। तो अब इसकी, ये इसकी नदियां पढ़ेंगे अपन, तो इसको मैं अब अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ।
ये देखिए जो अपने को मेन इम्पोर्टेंट है ना, अपन उतना मैप बना लिया अपने। तो देखिए प्रायद्वीप और द्वीप दो चीज होती है, तो और द्वीप प्रायद्वीप से मैंने आपको भी बताया कि तीन तरफ पानी से जमीन का घिरा हुआ भाग। और द्वीप क्या होते हैं, इसमें चारों तरफ पानी से जमीन का घिरा हुआ भाग। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रायद्वीप भारत में अपन जल्दी से क्विकली वो कर लेते हैं कौन कौन सी नदी। देखिए प्रायद्वीप भारत में सबसे ऊपर से चलते हैं अपन, यहां पर है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी कहां से मिलती है, छोटा नागपुर पठार काय में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, किस नदी की बात हो रही है, दामोदर हो गया छोटा नागपुर पठार। इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। और इसके बाद यहीं से एक स्वर्णरेखा नदी भी निकलती है जिसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, वो अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हो गई महानदी कहाँ से निकलेगी, ये महानदी की बात हो गई, कहाँ से निकलेगी, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से निकलती है। यहाँ पर इसमें इब नदी मिलती है, इब नदी इन दोनों के संगम पे क्या बना हुआ है, हीराकुंड बांध। अब मैंने आपको भारत का सबसे हाइट में ऊंचाई पे एक बांध बताया था, टिहरी बांध 260 मीटर। अब ये भारत का सबसे लंबाई में बांध है, मतलब इसकी वो जो था उसकी हाइट इतनी ऐसी थी और ये लंबाई में है। इसमें क्या दो बांध है एक्चुअली, तो ये लंबाई में है और ये इसकी लंबाई कितनी है, 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर लंबा है ये बांध। लिख लेना भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। बांध जो है ना, यहाँ मैं आपको बांध के प्रकार नहीं बता रहा हूँ कि बांध दो तीन तरह के होते हैं, बांध के प्रकार तो अलग होते हैं। एक चापाकार बांध होता है आर्क वाला घुमा हुआ, और एक ग्रेविटी डैम होते हैं और एक रॉकफिल डैम होते हैं। तो मैं आपको वो नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ भारत में तीन तरह के बांध, एक जो सबसे ऊँचाई जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में है वो है टिहरी बांध। ठीक है, ये 260 मीटर ऊँचा बना हुआ है जमीन। ठीक है, अब एक लंबाई में बांध है जो फेमस है वो है हीराकुंड बांध, 5 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और एक है जिसमें पानी सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते वो है इंदिरा गांधी बांध, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में खंडवा में, उसको मैं लिखवाऊंगा आगे। तो हाँ, ये अपनी महानदी भी हो गई। इसके बाद गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, अब इसकी एक सहायक नदी है मंजरा, इसके किनारे बसा हुआ हैदराबाद। जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल पॉइंट है वही बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश होती हुई अभी डेल्टा बनाते हुए, डेल्टा मैंने आपको बता दिया था कि जो नदी अपने मुहाने पर मतलब जहाँ समुद्र मिलने वाली थी अगर वहाँ फैल गई है इसके अवसाद के कारण, बहुत वितरिकाओं में बढ़ गई है, मतलब ये बहुत वो रहता है, बहुत चौड़ा एक एरिया रहता है उसमें फैल गई है, तो वो डेल्टा रहता है। और जो नदी बिल्कुल सीधे अगर ऐसे गिरती है ये ऐसे ही, तो वो एस्चुरी रहती है, पर ये नदी डेल्टा बनाती है।
प्रायद्वीप नदी भारत की जो भी इधर की नदियां है ना सारा डेल्टा बनाएगी। ठीक है, ये गोदावरी नदी का हो गया। मंजरा हैदराबाद जो है मंजरा नदी के किनारे बसा हुआ, मंजरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद चलेंगे कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी, ये है कृष्णा नदी, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, ठीक है। इसकी एक फेमस डैम है अलमाटी, ये लिख लीजिए आप अलमाटी। वैसे तो दो तीन अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, बाकी अलमाटी अभी सबसे ज़्यादा फेमस है। कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। देखिए इसकी लंबाई, अब इसकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई है 1465 और ये दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। पर जो अगर यहाँ पड़ेगी कावेरी नदी, उसको दक्षिण की गंगा बोला जाएगा। वो क्यों बोला जाएगा? मैं उसको आपको कावेरी नदी का, इसकी लंबाई है कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर। अब ये अपनी आखिरी नदी बची है कावेरी नदी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दो ही राज्यों में बहेगी कावेरी नदी। ये कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से, ठीक है। अब इसको दक्षिण की गंगा बोला जाएगा। दक्षिण की गंगा क्यों? क्योंकि ये जो नदी है ये 12 महीने ही पानी रहता है इसमें, और इसमें जो ये बरसाती नदी है, मतलब मौसम की नदी है, सिर्फ जो मानसून रहता है तब इसमें पानी रहता है और फिर थोड़े टाइम बाद इसमें पानी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। पर ये इसमें प्रायद्वीप नदियाँ जितनी भी हैं सारी मौसम पर डिपेंड करती है, पर ये नदी ऐसी है क्योंकि इसमें जब मानसून आता है, दक्षिण पूर्व मानसून, तब बरसात हो जाती है यहाँ पर, और फिर लौटते मानसून जो रहता है उससे भी बरसात हो जाती है, तो साल भर पानी बना रहता है। इसलिए इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, क्योंकि गंगा नदी में भी साल भर पानी बना रहता है, तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। और ये दक्षिण गंगा है लंबाई के हिसाब से, ये दक्षिण की गंगा है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और दक्षिण गंगा किस वजह से बोला जा रहा है? क्योंकि ये जैसे कि ऊपर जो है भारत, पूरे भारत की सबसे बड़ी लंबी अपनी कौन सी? गंगा नदी। अब जब प्रायद्वीप भारत की बात होती है, ये टुकड़े की बात होती है जो दक्षिण का, तो इसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, इसलिए इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। किस वजह से? लंबाई की वजह से। पर जब अब गंगा शुद्ध भी सबसे ज़्यादा नदी है, खैर अभी तो नर्मदा हो गई है, पर गंगा जो है वो सबसे शुद्ध भी थी, तो और कावेरी दक्षिण में सबसे शुद्ध नदी है, ठीक है, तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। मतलब इसकी वजह, इसको गंगा बोलने की वजह है इसकी शुद्धता, और इसको बोलने की वजह है इसकी लंबाई। तो दक्षिण की गंगा अगर पूछेगा तो आपको ये बोलना है दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा बोलेगा, तो आपको गोदावरी बोलना है। कावेरी हो गया। अब कावेरी नदी पर अपने भारत का सबसे भारत का सबसे पुराना बांध, करीबन 2000 साल पुराना, कावेरी नदी पर दुनिया का सबसे चौथा, मतलब दुनिया के चौथे नंबर पे सबसे पुराना बांध, और भारत का सबसे पुराना बांध जितने भी बांध है उसमें, उसका नाम है ग्रेट एनीकट। 2000 वर्ष पुराना है लगभग। सॉरी 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो ये कावेरी नदी की विशेषता हो गई। ये तमिलनाडु में है। अब प्रायद्वीप भारत की बस दो बड़ी नदी है, उन स्कोर कर लेते हैं, अपना कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। अब प्रायद्वीप भारत में एक नर्मदा कहलाती है और एक तापी कहलाती है। ये इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है ये? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से।
ठीक है। अब ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? अगर ऐसा पहाड़ है और इस किसी कारण से इसके बीच का हिस्सा अगर ऐसे या तो टूट गया या एक दरार पड़ गई लंबाई तक पूरे 1300 किलोमीटर 1400 किलोमीटर इतनी लंबी दरार पड़ गई तो ये भ्रंश घाटी कहलाती है। इसी पूरी घाटी इस घाटी में बहती हुई जाती है ये। इसके ऊपर यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी इधर सतपुड़ा श्रेणी आपको डिटेल में कल बताएंगे। यहाँ पर अलियाबेट द्वीप भी बनता है। ये ताप्ती नदी है ठीक है। और ये भी इधर ये देखिए दोनों अरब सागर में गिरती है। तो ये अपनी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ भी हो गई जो इम्पोर्टेंट मेन मेन था इनका पूरा अपन ने पढ़ लिया। तो इसको कल आप रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। तो मैं इसको आपको अब जो इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इनके और जो इनका और इम्पोर्टेंट है वो अपन कंप्लीट करके भारत की नदियाँ अगली क्लास में अपन ख़त्म कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप नोट्स बनाते रहिएगा और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ लेक्चर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।